हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए पोएम फ्रॉम इंग्लिश क्लास 5। टाइटल इज टीम वर्क। टीम वर्क मीन्स साथ मिलकर काम करें। डू यू लाइक टू वर्क एंड प्ले विद अदर? क्या आपको दूसरों के साथ खेलना पसंद है? देखिए, आइए, ये एक पोएम है, इसको हम बोलते हैं, आप भी मिलकर बोलो। टीम वर्क, टीम वर्क। Together we can make our dream work. Then we will share the joy of what we have done. Teamwork, everyone. Teamwork, teamwork. साथ मिलकर काम करो, साथ मिलकर काम करो। Together we can make our dream work. क्योंकि हम लोगों ने सपना देखा है, उसे हम साथ मिलकर काम करें। Then we will share the joy of what we have done. Teamwork, everyone. अगर और वो खुशी जो हम आपस में बांट सकते हैं, उसे हम साथ मिलकर बांटें। प्रत्येक जो भी है, हम सब एक साथ काम करेंगे, टीम बना के काम करेंगे, तो जो भी हमने सपना देखा, उसे हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, जल्दी सही कर लेंगे। इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हॉप, बट इफ़ नो बॉडी पासिस देन नो बॉडी शूट्स एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ नो बॉडी वांट्स टू पास द बटन। इफ़ फन, बास्केटबॉल के पास खेलना बहुत बड़े मज़े का खेल होता है। जो हम बास्केटबॉल के साथ खेलते हैं बास्केटबॉल में, तो वो बहुत अच्छा खेल होता है। बट नो बॉडी पासिस देन नो बॉडी शूट्स, लेकिन अगर कोई पास ना करे तो बहुत मुश्किल है। अगर ये भी खेल को कोई पास ना करे, एक बंदा खेले, तो वो खेल ठीक नहीं लगता। एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन, और जो रिले रेस होती है जिसमें इफ़ नो बॉडी वांट्स टू पास द बटन, ये जो खेल होता है जिसमें चार या पांच लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें पहला एक बंदा होता है, वह जो बटन है उसको लेकर भागता है, वो अपने साथी को दे देता है, फिर वो भागता है तो वो तीसरे को देता है, फिर चौथे वाले को देता है, और चौथा वाला फाइनल रेस में डाल देता है। ऐसे ये वाला खेल होता है। वी आर द पार्ट्स दैट मेक्स अप द हॉल। वी मीन्स हम जो खेल खेलते हैं, जो गोल को बनाते हैं। एंड वी हैव गॉट अवर आइज ऑन ए कॉमन गोल, और जब हम टीम में खेलते हैं तो सबको एक ही गोल होता है। समटाइम्स इट कैन बी ए बिग प्लस, कभी कभी यह बिग प्लस हो जाता है। व्हेन ए यू आर यू और ए मी बिकम्स एन अस, जब आप और मैं मिलकर हम बन जाते हैं, तो कितना अच्छा होता है। हम सब मिलकर काम करें तो कितना अच्छा होता है। एक कहावत भी है ना, एक से भले दो, यानी एक की बजाय दो लोग हैं तो और अच्छा है, और पूरी टीम है तो और भी अच्छा है। इसीलिए हमें टीम में कार्य करना चाहिए। थैंक्स।